नॉट डन ना। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई सर अभी अपनी। ठीक है, अभी अभी आप व्हाट अभी राइट नाउ आपको क्या दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? आपका व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सर, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सर आपका, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ सर, जैसे देखो उस पर मैं भी अभी चला सकता हूँ पेन ऐसे। ओके okay. तुम लोग तो मत चलाओ। नहीं मैं बता रहा था बस दिखाने के लिए। जुम्मो मामा को बुला के। नो 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 ओके सी काम इज वर्किंग ओके। डोंट शाउट, अच्छा डोंट शाउट। सब अंदर लो, बाहर अटका हुआ है। कौन है बेटा बाहर? ऋषभ। चलो स्क्रीन शेयर में राधे राधे सर। राधे राधे बेटा, तुम्हारी आवाज सुन के अच्छा लगा सबकी। अभी नाउ यू कैन सी माय स्क्रीन ना? यस यस सर, यस सर। हाँ सर, अभी मेरा फेस नहीं आ रहा है ना? मगर नो सर, नहीं सर। फेस के लिए तो सर वो एक सॉफ्टवेयर दिया वो था ना, AZ स्क्रीन रिकॉर्डर, वो चालू कर लो, उसमें छोटी सी विंडो में दिख जाएगा। नहीं नहीं अभी चलेगा, अभी अपन इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यस्टरडे वी डिस्कस वो क्वेश्चन आप लोगों ने है ना करे होंगे ना। चलो अभी मॉड अपन थोड़ा कम करके आगे आते नई चीज पे। हाँ सर करें। चलो सर, राम लखन कुछ कह रहा है। बोल राम लखन। सर माइक के साइड पे, राम लखन माइक के साइड पे, वो स्टार्ट वीडियो का है उसके आप चालू कर सकते हो। आइए मगर ये वीडियो चालू करूंगा तो फिर स्क्रीन शेयर बंद हो जाएगी ना बेटा। हाँ सर। नहीं सर, नहीं होगी, नहीं सर, नहीं होगी, नहीं होगी सर। आपका विंडो पे शक्ल आ गई आपकी। अच्छा अभी मैं मगर स्क्रीन सेम आ रही है अपनी? हाँ सर, स्क्रीन आ रही है आपका, फोटो भी हो। यस सर, अभी दिख रहा है। चलो वेरी गुड, ये तो अच्छी चीज है, दोनों चीजें आ गई ना उस पे। अब वेट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। मैं ये चीज का स्टैंड पे रख दूँ तो नॉट डन। अगे चलो गाइस, हम लोगों ने जो पढ़ा था आगे ले गया। देखो बेटा, इफ यू रिमेम्बर यस्टरडे वी डिस्कस्ड। कुलदीप माइक ऑफ कर। हाँ ओके चलो, यस्टरडे वी डिस्कस्ड मॉड फंक्शन। यस्टरडे वी डिस्कस्ड मॉड फंक्शन। अब देखो एक्चुअली क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा सा बताते जाते हैं कुछ। नाउ GIF, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना? ओके okay. ये वैसे सबको पता होता है, सीधे मैं इसलिए शॉर्टकट ही बता रहा हूँ इनकी, ज्यादा इसमें डिटेल में जा रहा हूँ। इफ सपोज यू वांट टू सी ए पॉइंट बी, दिस इज ए, ओनली इंटीजर पार्ट, है ना बेटा? आपको सीधे शॉर्टकट बता रहा हूँ, माइनस ए पॉइंट बी होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस वन। ओके इम्पोर्टेंट है, याद रखना, काम आएगा बार बार। 2.9 तो दिस विल बी 0.2, 7.6, 7, 8.1, 8 माइनस 2.9 देन इट विल बी माइनस 3, माइनस 7.6 देन इट विल बी माइनस 8, माइनस 8.1 इट विल बी माइनस 9. ओके वेरी गुड। ओके अच्छा, अगर कहीं पे 0. समथिंग समथिंग है, 0.001 या कुछ भी है
इंटीजर पार्ट विल बी जीरो 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 बेटा इंटीजर पार्ट इज जीरो माइनस 0.001 है कुछ देन इट विल बी माइनस 1 ओके तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप चाहे ये हो या माइनस ए पॉइंट बी हो एनीथिंग आता यू विल गेट ऑलवेज इंटीजर है ना इंटीजर पार्ट ही मिलता है इंटीजर पार्ट तो अगर मैं बात करूं ए पॉइंट बी की तो एक्स तो कैन एनीथिंग रियल नंबर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी और वाई जो होगा ना बेटा वो होगा ओनली इंटीजर है ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा ठीक है अब इसको अगर हम थोड़ा सा ग्राफ प्लान करें तो बेटा जैसे ये सपोज जीरो है वन है टू है थ्री है एंड फोर है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू गाइस देखो बेटा बहुत सिंपल सी बात है जीरो से वन के बीच में जीरो पॉइंट इसकी वैल्यू होगी जीरो पॉइंट जीरो जीरो सबका जीरो होगा सर कोई वेटिंग पे है हाँ बेटा कोई वेट कर रहा है अरे यार ये लफड़ा किसी को होस्ट बना देंगे तो वो अलाउ नहीं कर सकता है क्या हाँ सर कर सकते हैं सर कर सकते हैं कर सकते हैं ओके तो अभी तो इसको अलाउ कर देता हूँ कुलदीप को मेक अ होस्ट Do you want to change the host to Kuldeep Gori? Yes. Kuldeep Gori now has host. Okay. ठीक है सर. चलो अब देखो बेटा जो सी जो important है वो ये देखो कि देखो ये zero से इसकी value सब पे zero ही आएगी. One पे twelve one फिर 1.1 1.2 सब पे one 2.12 पे सब पे 2 माइनस 1 माइनस 2 ओके स्टेप फंक्शन यस वेरी गुड वन नेम इज स्टेप फंक्शन ओके डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है बीच बीच में ब्रेक हो रहा है डिसकंटीन्यूअस एट इंटीजर है ना तो इसका सीपी क्या हो गया इंटीजर क्रिटिकल पॉइंट हो गया इंटीजर यस सर ऐसे डिसकंटीन्यूअस कर्व्स की हम स्लोप निकाल सकते हैं हाँ बेटा बिल्कुल निकाल सकते हैं कोई इशू नहीं है ना बेटा अभी देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मगर अभी एक थोड़ा सा क्योंकि बार बार आएगा इसलिए थोड़ा सा उसका नॉलेज दे रहा हूँ मैं अच्छा एक हो गया फ्रैक्शनल फंक्शन देखो ध्यान समझो इसको हाँ एक्चुअली क्या होता है इफ यू हैव माइक ऑफ कर देना Only integer part. ऐसे अगर आएगा fractional part a point b, you will get only point b. Only fractional part. Yes, ये आपको याद रखना है ना? Integer part, fractional part. Okay, तो अब इसको भी detail में मत पढ़ो. मैं सीधा trick करा रहा हूँ आपको. Remember this, ये किसी book में नहीं है, इसलिए direct याद रखो. A point b में you will get point b. है ना और माइनस ए पॉइंट बी में यू विल गेट वन माइनस पॉइंट बी बट इट इज नॉट रिटन इन एनी टेक्स्ट बुक सो इसको किसी को बताना नहीं है तो डायरेक्ट याद रखना है फॉर एग्जांपल अगर कहीं लिखा है 2.9 तो यू विल गेट ओनली 0.9 7.3 तो यू विल गेट 0.3 8.02 तो यू विल गेट 0.2 माइनस 3.6 तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4 देखो डेसिमल पॉइंट को माइनस कर रहे हैं माइनस 2.9 1 माइनस और वन माइनस 0.02 नहीं है बेटा सॉरी ऊपर वाले में 0.02 नहीं आएगा 8.02 वाले में सही यार ओके है ना माइनस 6.7 तो 1 माइनस 0.7 तो दिस इज 0.3 यस गेटिंग एवरीबॉडी अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लान करूं तो दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 अब देखो बेटा सिंपल अगर हम देखें
it will be 0 by 0, 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.0, 0.0. Suppose ye 9 hai, ye 1 hai. So 1 pe it will be again 0. 1.1 pe 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.9, fill 2 pe 0. Are yes? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. It will be yes, like sir. This. This is the graph. ओके देखो कोई अगर इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही नंबर आता है आई और अगर कोई फ्रिक्शनल पार्ट हो तो उसका इंटीजर पार्ट या जीरो यस ना क्योंकि आई को लिख सकते हो आई पॉइंट जीरो दिस विल बी जीरो ओनली यस अब देखो अगर आपने देखा होगा तो डेसिमल पार्ट जो है इट इज ऑलवेज लेस देन वन ओके तो याद रखो x क्या अगर हम बात करें तो फ्रिक्शनल पार्ट जो है वो क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 1 दिस इज द इंपॉर्टेंट वन यस है ना क्योंकि देखो डेसिमल है तो हमेशा लेस में आएगा अच्छा अब इसका अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन तो x तो कुछ भी हो सकता है एनी रियल नंबर मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी बट रेंज क्या हो सकता है ओनली From 0 to 1, है ना? From 0 to 1, 0 include है. अरे बोलो ना हाँ. हाँ. Yes sir. Okay, 0 included, range included है. ठीक है ना बेटा? Okay, अब देखो बेटा ये भी discontinuous function है. कि बार-बार integer पे break हो रहा है. तो इसका भी क्रिटिकल पॉइंट क्या गया जल्दी बताओ व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट CP इज इक्वल टू I आ गया अरे यस आर यू गेटिंग यस सर देखो ये सब बेसिक नॉलेज है आप देखो सबसे पहले तो एक साइन फंक्शन जीरो पाई बाय टू पाई थ्री पाई बाय टू टू पाई माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाय टू और माइनस टू पाई सपोज वन कहीं देखो ध्यान सुनो साइन जीरो जीरो साइन पाई बाय टू वन पाई अगेन जीरो थ्री बाय टू अगेन माइनस वन जीरो माइनस पाई टू माइनस वन पाई जीरो पाई बाय टू जीरो यस तो ये आपका ग्राफ हो गया यस दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स एनीथिंग यू कॉल्ड अच्छा मैं उसको डांटने वाला था कब सर एक बार आप बताओगे अपना चैप्टर कौन सा चल रहा है सर एडवांस के अंदर अरे कुलदीप तेरे क्वेश्चन खतरनाक आते हैं यार बेटा अपन ये लोग लॉगरिथम की आवाज अभी अपन बेसिक थिंग्स पढ़ रहे हैं जो अपने को मैथ्स में एडवांस में काम आएगी ओके अच्छा अब देखो बेटा सर ये ग्राफ वाला समझ नहीं आया देखो x कैन बी एनीथिंग माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी देखो बेटा कुछ नहीं किया जैसे अपन बचपन में ग्राफ बनाते थे ना है ना कैसे चीनू नो हम पापा से क्लास नो पापा इज डूइंग वर्क बेटा अभी अभी कैन है ना तो बेटा ये हो गया जीरो Pi by 2 pi is value 1. No, no, I can't play. No. Yes, these are the values of sine. This is, madam. No, no, then don't say anything. Okay, then don't say anything. Keep quiet.
Okay, then do your work then. Don't keep quiet and sit. See your dinosaur. Sit down here. Guys, these are the value. कैसे calculate करें? Suppose sin 3 pi by 2 है. So I can write pi plus pi by 2. Now sin 180 plus theta means minus sin theta. This is minus 1. देखो बेटा ये minus 1 value आई. Yes, ऐसे मैंने सबकी value निकाली तो I got this value. यहाँ तक कोई problem? Okay, अब now I join this. तो ये मैंने join किया है बेटा. Yes, this is a join. Just उसको join किया है. Okay, curve shape में क्यों किया? अभी आगे बताऊंगा कि curve shape में क्यों किया. Stop. Don't. No, बेटो, please keep quiet. Otherwise, Papa will go off office and there have to go and this. Okay, sorry, बेटा, है ना? तो अभी सबको समझ में है sin x का graph? Yes, sir. Okay, बेटा. अब देखो बेटा, actually क्या होता है? अब देखो, x can be anything. Minus infinity to plus infinity. So domain हो गया or anything. और y जो हुआ वो क्या बेटा? From minus 1 to plus 1. And minus 1 plus 1 it can be. Okay, जैसे आपको बार बार कहीं पे लिखा था ना sin x, it is always between minus 1 to plus 1. कुलदीप, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे basic concepts पढ़ा रहा हूँ ताकि है ना अभी अपने को सब जगह IIT advanced level में जाए ना तो बार बार अपने को परेशान नहीं होना पड़े. Okay, guys, ध्यान सुनो. अब ना listen. अब देखो, अब actually क्या था, ये sin x का actually graph इसलिए होता है कि actually sin x के लिए तो x x square by sorry x cube by factorial 3 plus x square 5 by factorial 5 minus x square 7 by factorial 7 plus x square factorial 9 upon factorial 9 dot dot up to infinity. Only odd power आ रही है. Yes. ओके बेटा, है ना? तो दिस इज द डिफरेंशिएशन में था. हाँ बेटा, ये तो डिफरेंशिएशन में था. कहाँ था? डिफरेंशिएशन. हाँ, यस लाली सही है, बिल्कुल, है ना? बट इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 11th. ओके, तो अब देखो बेटा, एक्चुअली से दिस इज अ पॉलीनोमियल. ओके, तो दो पॉइंट को अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती तो आई विल जॉइन टू पॉइंट लाइक दिस. मगर अगर जैसे y is equal to x mx plus c होता तो मैं ऐसे ज्वाइन करता. मगर अगर दो पॉइंट ऐसे हैं तो अगर पॉलीनोमियल है तो आई हैव टू ज्वाइन लाइक दिस और लाइक दिस. आई कैन ये स्ट्रेट नहीं कर सकता मैं ना, आइदर दिस और दिस. यस, ओके. तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ sin x. नाउ लिसन, y is equal to cos x. This is 0, this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, this is 2 pi. This is minus pi by 2, this is minus pi, this is minus 3 pi by 2, this is minus 2 pi. This is 1 and this is minus pi. Okay, now cos 0 kya hota value beta 1. Cos pi by 2 is 0. This is minus 1. है ना? These are the value. Again, जब आप cos x का ग्राफ बनाओगे ना तो cos x का ग्राफ होता है 1 minus x square by factorial वाला. Yes, factorial 4 minus x plus 6 on factorial 6 plus x by 8 upon factorial 8 dot infinity. Yes, only sir, ye factorial kaun se chapter mein factorial nahi na, but apne permutation combination
परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पहले बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा था ना ये देखो जिसको नहीं पता है उसको बता दूं कि n फैक्टोरियल का मतलब था नंबर और उसको एक एक को कम करते जाओ है ना फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास है फैक्टोरियल 7 इट विल बी 7 इनटू 6 इनटू 5 इनटू 4 इनटू 3 इनटू 2 इनटू 1 फैक्टोरियल 8 है तो इट विल बी 8 इनटू 7 इनटू 6 इनटू 5 इनटू 4 इनटू 3 इनटू 2 इनटू 1 फैक्टोरियल 1 क्या होता है बेटा 1 फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1 कोई भी नेगेटिव नंबर है उसका फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड सिमिलरली का फैक्टोरियल सपोज आई विल राइट फैक्टोरियल -7 तो नॉट डिफाइंड यस 0 का भी फैक्टोरियल 1 ही होता है सर आई विल टेक बाय डेफिनेशन है ना मगर वो मीनिंगलेस है ना ओके तो दिस इज अ कॉस एक्स का ग्राफ आप देखो अब देखो ये पॉलीनोमियल अगेन इवन पावर्स आ रही हैं है ना इस कारण से ये हो गया अभी इसको अगर मैं जॉइन करता हूं तो क्या कर देगा ये सॉरी मैंने गलत बना दिया ट्वेल्थी से आप लोगों को तो याद दिलाना चाहिए बेटा आपको तो ये आना चाहिए सब देखो माइनस फाइव बाई टू इज जीरो माइनस फाइव इज माइनस वन देन जीरो एंड देन है ना बेटा अब ये क्या है बेटा देखो ओके गाइस है ना तो ये हो गया देखो साइन एक्स जीरो पे जीरो होता है और ये जीरो पे वन होता है बाकी दोनों सेम वैसे ही चल रहे पॉलीनोमियल से ओके यस अब देखो इसमें क्या होगा रिमेंबर वन थिंग दैट डोमेन क्या हो गया बेटा अगेन एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी रेंज विल बी वाई विल बी फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन हम लोग लिखते हैं ना जनरली cos x इट इज बिटवीन प्लस वन टू माइनस वन ओके फाइन इज अ ग्राफ ऑफ cos x sin x सब लोगों को इसको दो दो तीन तीन चार चार बार पढ़ना है तब समझ में आएगा बेटा लॉजिक्स का मैं यू हैव टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स है ना सर आप नोट भेजोगे ना अरे क्यों नहीं भेजेंगे बेटा रोज भेजता हूँ मैं तो चिंता नहीं करने का अब थोड़े डेंजर है y = 10x है ना थोड़ा सा इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है जीरो पाई बाय टू पाई थ्री पाई बाय टू टू पाई माइनस पाई बाय टू माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाय टू और Don't touch it. Okay, अब देखो बेटा pi by 2 पे I am drawing a line like this. Why I will tell later. Don't touch it. हाँ, तो put it back ना. Okay guys, अब actually क्या होता है ना value रखते हैं. टेन जीरो जीरो और ये इंफिनिटी हो जाता है अगेन दिस इज जीरो 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 अब रिमेंबर ये ग्राफ कैसा होता है दिस विल बी लाइक दिस बेटा ये याद रखना ये क्या होगा नॉट टच
ये टच नहीं करेगा, नॉट टच. व्हाई नॉट टच? क्योंकि ये इनफाइनाइट पे मिल रहा है ना, इसलिए इनफाइनाइट वैल्यू है ना, इसलिए. आप याद देखो 1090 कितना होता है बेटा, देखो 1090 कितना होता है, इनफाइनाइट. ओके, और 10 मीटिंग ओवर होने वाली है. हां बेटा 10 मिनट में जैसे मीटिंग खत्म होगी तो नेक्स्ट मीटिंग चालू कर देना बेटा. ठीक है सर. ओके, और लिंक शेयर कर देना तो वी ऑल विल जॉइन. गाइस सबको समझ में आ रहा है ना ये 10 इनफिनिटी वाला? तो ये जॉइन नहीं करेगा. यस सर, 90 से इनफिनिटी होगी. सॉरी यस सर. यस सर. ओके, अब देखो ध्यान सुनो. डोमेन देखो बेटा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, आप कुछ भी रख सकते हो, मगर y क्या आएगा बेटा? देखो बेटा, ऑल रियल नंबर डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर. यस यस सर. नो यस. पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, ये वैल्यूज कहां रख सकता हूं मैं? ये वैल्यू नहीं हो सकती ना, देखो उस पे इनफाइनाइट हो रहा है ना. देखो x for y cannot be plus minus infinite, or y for that x cannot be plus minus infinite. ये होता है ना डोमेन रेंज में. तो x अगर ये वैल्यू होगा तो इनफाइनाइट होगा, तो x क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. अरे से यस. देखो जब जब ऑड मल्टीपल हो रहा है, सी पाई बाय 2. यस सर, मुझे भी नहीं यार. माइनस पाई बाय 2 माइनस. हाँ जी, रिपीट रिपीट करो. r बिलोंग्स दैट x बिलोंग्स टू ऑड पाई बाय 2. ओके ओके, चलो आई एम सेइंग देखो बेटा, व्हेनेवर यू आर कैलकुलेट डोमेन, एक्जेक्टली यू आर कैलकुलेटिंग x, बट फॉर दैट y कैन नॉट बी प्लस माइनस इनफाइनाइट. सिमिलरली इफ यू आर कैलकुलेटिंग रेंज, सो x कैन नॉट बी प्लस माइनस इनफाइनाइट. एवरीबॉडी गेटिंग दिस थिंग? यस. इफ सपोज आई एम पुटिंग, सपोज आई विल पुट x इक्वल टू पाई बाय 2, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा. सो आई विल पुट 3 बाय 2, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा. इफ आई पुट माइनस पाई बाय 2, तो y विल बी इनफाइनाइट. सिमिलरली x की इस वैल्यू पे क्या हो रहा है? इनफाइनाइट हो रहा है. अरे बोलो ना. हाँ, तो ऑड मल्टीपल है जो, वो नहीं चाहिए. मतलब ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 नहीं चाहिए. ऑल रियल नंबर माइनस में भी आएगा ना, तो माइनस ऑड ऑल रियल नंबर. सुनो अब ये बेटा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं ना, उसकी चिंता नहीं करना. यस यस यस. दिस इज योर, सॉरी दिस इज योर डोमेन. अच्छा, रेंज टू वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई तो कुछ भी हो सकता है, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी. यस यस Yes sir. No yes, sir. Sir. No. Y will be minus infinity to plus open interval. How open? Close आएगा तो उसमें तो फिर वो include हो गया ना. This is wrong. This is right. Yes, open interval. Sir, हम open क्यों रखते हैं? देखो, if you are saying x is greater than or less than b, so it is x belongs to open interval a to b. X cannot be a. और x cannot be सर, बट इनफिनिटी में ओपन भी रखे या क्लोज भी रखे, इनफाइनाइट तो गिना जाएगा ना, कोई भी वैल्यू रखे. सुनो अभी, इफ अपन राइटिंग a कैलकुलेट b, तो दिस विल बी x बिलोंग्स टू क्लोज इनटू a टू b, तो x cannot, x यहां पर x हो जाएगा a, x इक्वल टू b. ये तो हो गया ओपन क्लोज का, जिसको थोड़ा भूल गए हो या बाद में ज्वाइन किया तो ये हो गया. आप इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या रहा है, इफ यू आर कैलकुलेटिंग, इफ यू आर कैलकुलेटिंग वाई, तो एक्स कैन नॉट बी प्लस माइनस इनफिनिटी, है ना. अब अगर सपोज तुमने यहाँ पे क्लोज इंटरवल कर दिया, तो इसका मतलब वाई वाई क्या हो गया, वाई क्या हो जाएगा, कीप क्वाइट. y क्या हो गया बेटा, प्लस इनफिनिटी. तो x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस पाई बाय 2. वो तो हमको नहीं चाहिए ना, वो तो नहीं चाहिए ना, माइनस किया ना उसको. तो दिस इज ऑलवेज ओपन आ गया, याद रखना, है ना. फॉर डोमेन और रेंज, इनफाइनाइट प्लस माइनस ऑलवेज
ओपन है ना, ओपन आएगा ना, नॉट डोंट डू यस गाइस, यस सर, ये सब बेसिक ग्राफ्स हैं जो आपको आना चाहिए. एक्चुअली ये फिजिक्स का पार्ट है बट वी आर टीचिंग बिकॉज़ अभी नाउ राइट नाउ अपन बहुत हायर लेवल मैथ्स का पढ़ रहे हैं. y = अब थोड़ा सा दिमाग लगेगा. cos x है ना, sin x = 1 upon cos x. अब देखो यार थोड़ा सा समझो, थोड़ा साउंड कम कर दो यार. देखो sin x is between -1 to +1. ओके, तो जब आप इसको 1 अपॉन साइन एक्स करोगे तो इट इज ऑलवेज लेस देन माइनस वन और ग्रेटर देन प्लस वन है ना, कैन नॉट बी बिटवीन -1 to +1. आर यू गेटिंग मी? ये आपको याद रखना ऑब्वियसली है. यस सर. देखो ना, सपोज अगर 1/2 -1 से +1 के बीच में है तो 2 जो होगा वो तो आइदर लेस देन होगा या रेसिप्रोकल होगा, तो बड़ा ही हो जाएगा ना, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा ना इससे बड़ा. या -1/7 -1 से +1 के बीच में जब रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. यस, तो याद रखो, तो सबसे पहले तो आप याद रख लो कॉसेक थीटा लाइज -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ ना, इट कैन बी +-1. ओके, तो दिस इज एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये कॉसेक थीटा हो गया. अरे यस सर, 3 मिनट बाकी है. कोई बात नहीं, बस तू वापस से नया कर दे. कॉसेक थीटा या तो -1 से स्मॉलर होगा और कॉसेक थीटा +1 से ग्रेटर होगा. यस यस सर, यस सर. चलो अभी वो मीटिंग खत्म हो गई इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ. या चलो जब तक ग्राफ तो बना ही सकते, एक बार कॉपी करने दे. क्या कॉपी करने दे सर, वो ऊपर वाला. नहीं 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 नहीं, बकवास है, कोई ज्यादा नहीं. अभी तो पूरे नोट्स देने वाला हूँ ना मैं. यस सर, आज मॉर्निंग के क्लास आपने कल नोट्स नहीं सेंड किए थे. आज नहीं किया कि कल नहीं किया? कल नहीं किया. चलो कर दूंगा. सर ये लाइन वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट से पास हो रही है? देखो ये दो लाइन मैंने बनाई है, y = -1 और y = +1 है ना. यस सर, क्योंकि अपन ने बोला ना कि इन बिटवीन कर्व नहीं आएगा तो सर वो कर्व वाले बन जाएंगे ऊपर की साइड दोनों. हां देखो इन बिटवीन जो होगा ना नो कर्व. अरे यस यस सर. भाई कितनी देर में जाएगा तेरा ये? अब देखो चलो, साइन जीरो कितना होता है? तो देखो हमको पता है जीरो पाई पाई जीरो जीरो ना. तो देखो बेटा तो इस पे इनफिनिटी हो जाएगा तो पाई भी जीरो. तो देखो यहाँ पर भी इनफिनिटी, तो ये ज्यादा इनफिनिटी होगा. मामा मैंने ड्रा कर दिया
यस अभी का चालू है ना, ऑफ नहीं हुआ ना।